So ladies and gentlemen, welcome back to Knorr's Kitchen Cake. मैं हूँ मोना वासु और ये है मेरे co-host मुस्तफा काज़मी। टोनी साहब ने शेफ शिरोमी की गाइडेंस से जो सूप बनाया है उसकी रेसिपी इस प्रकार है। पानी को एक कढ़ाई में बॉईल करें, वेजिटेबल स्टॉक पाउडर और एम्बॉग वेजिटेबल्स पानी में मिलाएं। इसे धीमी आग पर पकाने के बाद वेजिटेबल्स को निकाल कर साइड पर रख दें। गर्म कढ़ाई में करोली ऑयल गर्म करें और हल्की आंच पर कॉर्न भूनिए। इसमें डालिए प्याज और तब तक भूनिए जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। इसमें मिलाइए वेजिटेबल स्टॉक को और इस सूप मिक्सचर को कढ़ाई में फिर से गर्म कीजिए और मिलाइए अलग रखे वेजिटेबल्स को और पकाएं। और साथ ही इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला दें। टोनी साहब ने शेफ शिरोमी के साथ मिलकर गार्निश किया वेजिटेबल एंड कॉर्न सूप को और जजेस के सामने प्रेजेंट किया। फरहान साहब ने शेफ रॉबिन्स की गाइडेंस से जो सूप बनाया है उसकी रेसिपी इस प्रकार है। पानी को कढ़ाई में बॉईल करने के बाद इसमें ऐड करें कनॉट चिकन स्टॉक पाउडर और फिर हिलाएं। सादे चिकन ब्रेस्ट इसमें ऐड करने के बाद धीमी आग पर पकाएं और चिकन को निकालकर शेड करके साइड पर रख लें। करोली ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें कॉर्न ऐड करें और फिर ऐड करें थोड़ा सा प्याज। प्याज को तब तक भूनिए जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए और फिर इसमें ऐड कीजिए बाकी रखे हुए वेजिटेबल्स को। क्वेकर कॉर्न मील को इसमें मिलाएं और साथ ही कनॉट चिकन स्टॉक को भी। फिर इस सूप मिक्सचर को कढ़ाई में गर्म करें और ऐड कर दें साइड पर रखे शेड चिकन को। थोड़ा सा नींबू भी डाल दें। फरहान वासी और शेफ रॉबिन्स ने मिलकर प्रेजेंट किया इस सूप को गार्निश करने के बाद अपने जजेस के सामने। बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है सूप की। मेरा तो मन कर रहा है मैं भी जज बन जाऊँ। वो क्यों मोना? अरे भाई जज बनेंगे तभी तो बॉसेस के हाथ का बनाया सूप पीने को मिलेगा। जरा जजेस के चेहरों को देखो, कितनी खुशी झलक रही है इनके चेहरे, कितना रूप है। तो पूछते हैं जजेस से कि इनका जो चेहरा इतना चमक रहा है तो इनको कैसा लगा है हमारे बॉसेस के हाथों का खाना, मेरा मतलब है सूप। टोनी जी। हाँ जी। आपकी पार्टिसिपेशन की एटीट्यूड मुझे बहुत सही लगी। एवरीथिंग अबाउट व्हाट यू डिड मुझे सब कुछ अच्छा लगा। वेरी ट्रूथफुली। थैंक यू। यस आई हैव टू कमेंड यू ऑन द फैक्ट दैट यू शोड द ऑल द स्टफ दैट यू हैव इंग्रेडिएंट्स वेरी नाइसली। यू वेंट अबाउट योर कटिंग एंड योर प्रोसेस, सब कुछ मुझे बहुत सही लगा। एंड आई एम अ लिटिल पार्शियल टू दिस ब्रेड, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। आई शुड लव दिस विद टी। द ओनली डिफरेंस इज आपने मुझे चाय के साथ नहीं, आपने मुझे सूप के साथ दे दिया है ये। इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा है। एंड आई लाइक द फील ऑफ द सूप आल्सो। एंड वस्ती साहब, आज हम आपसे थोड़े से खफा हैं। हम इस वक्त थोड़े से इसलिए खफा हैं जी क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा काम करें। मैंने दो चीजें की हैं, एक तो अपना जिंदगी का पहला सूप बना के आपको दिया है, जो भी बच्चा बनाया आप है। कुछ भी बोल लो। एक हाथ जला लिया, एक उंगली जला ली है, तो उसे कुछ आप भी बोल लो। Back to the matter, this is a reality show. What goes for him, goes for you. बिल्कुल सही है ना। अब मैं एक और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर ये घर के अंदर सूप बन रहा है तो इसके अंदर ब्रेड होगी? नो, बट देन आई थिंक राइट नाउ यू शुड बी स्टिकिंग टू योर सूप। ओके फाइन। Because the point here is I'm talking about you. जी। But the fact of the matter is everybody has a different way of presenting things. जी। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, he wants to present it in a bread. That's perfectly okay. Okay. It's acceptable because I think it's done. You are the person who are creating it. Correct. No chef is. You are. So if you choose to give your soup inside a hollow chicken, I can't stop you. So my marks will be given later on, but this is what I have to say. What I see over here is Shiromi and Robin Gomes, not Tony and Farhan. Taste, texture, everything is fine. I'm happy with it. Thank you. But chicken soup had a taste of stock in it. Vegetable or corn cut flavor nahi aaya usme. Even on vegetarian soup, overall flavor was good. Knorr's Kitchen King, sirf bosses ban sakte hain. They cannot blame anyone कि ये बाद में वो ये हो गया वो हो गया, आपके कंट्रोल में होना चाहिए ये। जी। And ultimate responsibility is yours. Correct. खाने का जहाँ तक ताल्लुक है, again शेफ जीजी से मैं सेम वो करता हूँ कि स्टॉक जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, ओवरपावरिंग हो गया है इसका फ्लेवर। और जहाँ तक ये ब्रेड सूप का है, शेफ शिरोमी एंड मिस्टर टोनी, अच्छा आया, वेल डन। थैंक यू। जी अब शुरू करेंगे हमारे बॉसेस के साथ, बल्कि हम शुरू करते हैं मिस शिरोमी से, जो वहां से कमेंट्स मिले हैं उनके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मिस शिरोमी, व्हाटएवर दे डिसाइड आई एम फाइन विद इट। आपका मक्खन अभी तक चल रहा है? चलता रहेगा। वो तो शो खत्म होने तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा।
Mr. Tony. Yeah, obviously. ठीक है जो भी उन्होंने किया next time try करते हैं we work hard आपका पहला round था जी no problem we'll learn सिखाएंगे that's the spirit the way he chopped his vegetables was commendable he did a good job thank you तो वास्ती साहब आपका क्या कहना है आपको कैसा लगा जज़्ज़ मुझे तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे छोटे भाई आए मेरी बीवी हैं वो हमसे ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला सूप है शाजमा हाथ जल गया है दो जगह जल्दी से बैंडेज लगा देना बाद में और I'm very thankful और मैं कोशिश करूंगा जैसे हमारे जज ने जो कमेंट्स दिए हैं उसको इंशाल्लाह ताला आगे की जो डिश होगी उसमें हम जरूर अप्लाई करेंगे शेफ रॉबिन आपको कैसा लगा जजेस की कमेंट्स सुनके यू आर वेरी राइट बट आई एम हैप्पी दैट दिस जेंटलमैन हैज अ पॉजिटिव थिंकिंग यू नो ही वांट्स टू लर्न बहुत अच्छा है आप ऐसे करते रहे तो खूब बन जाएगा थैंक यू उस्ताद बॉसेस तो काफी सहमत हैं हमारे जजेस के दिए हुए कमेंट्स से लेकिन देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या मोना क्योंकि अभी तो टाइम है ब्रेक का सो टेक अ ब्रेक Brought to you by Kanor from Nature to Dining Table. Karoli, winning hearts for generations. Joy thrives full of goodness. Every foods, a passion for excellence.